दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी आज होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जो सात समुंदर पार इटली की लेक कोमो में 14-15 नवंबर को हैं। इस बात का खुलासा दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी का मेन्यू क्या है या फिर शादी किन रीति रिवाजों से होगी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं दीपिका रणवीर की शादी की 10 बड़ी बातें और खास खबरें। नंबर एक, 13 नवंबर से शुरू होंगे शादी के फंक्शन। खबरों की माने तो 13 नवंबर से रणवीर दीपिका की शादी की रस्में शुरू होगी। इस दिन संगीत सेरेमनी होगी, जिसमें क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वाले शामिल होंगे। नंबर दो, इस दिन होगी शादी। रणवीर दीपिका 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी इटली के लेक कोमो में होगी, जहाँ कई हॉलीवुड सेलेब्स की शादियाँ हो चुकी है। नंबर तीन, दो अलग अलग रीति रिवाज से होगी शादी। 14 नवंबर को दीपिका पादुकोण के कल्चर के मुताबिक कोंकणी परंपरा से शादी होगी, तो 15 नवंबर को रणवीर सिंह की तरफ से सिंधी रीति रिवाज से सात फेरे होंगे। मतलब दो अलग अलग रीति रिवाजों से शादी होगी। नंबर चार, दो बार दुल्हन का जोड़ा पहनेगी दीपिका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोंकणी रीति रिवाज से होने वाली शादी में दीपिका ट्रेडिशनल साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी पहनेगी, जबकि सिंधी रीति रिवाज से होने वाली शादी में वो पिंक और पर्पल कलर के लहंगे में नजर आएगी। अनुष्का की तरह दीपिका भी अपने फेवरेट डिजाइनर सब्यसाची के कलेक्शन की ड्रेसेस पहनेगी। नंबर पांच, शादी में शामिल होंगे कम से कम मेहमान। दीपिका रणवीर की शादी में बॉलीवुड से गिनती के लोगों को ही बुलाया गया है। इसमें फराह खान, शाहरुख खान, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और अर्जुन कपूर का नाम शामिल है। खबरों की माने तो लेक कोमो में सिर्फ 30 करीबी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ही इनवाइट किया गया है। नंबर छह, शादी में नो सेल फोन्स। ये खबरें तो पहले सामने आई थी कि शादी को काफी प्राइवेट रखा जाएगा, लेकिन शादी की तस्वीरें लीक ना हो इसके लिए मेहमानों से खास अपील की गई है कि वो इवेंट में सेल फोन्स न लाए। नंबर सात, खाने में होगा दो तरह का खास स्वाद। इनकी शादी की तरह खाने में भी दो अलग अलग स्वाद होंगे। शादी के मेन्यू में इंडियन और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों को शामिल किया गया है। 14 नवंबर को पारंपरिक मेन्यू के मुताबिक डोसा और चावल परोसा जाएगा और 15 नवंबर को टिपिकल पंजाबी खाना सर्व किया जाएगा। नंबर आठ, शादी में रणवीर दीपिका की ग्रैंड एंट्री। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी में रणवीर और दीपिका की एंट्री बहुत ही शानदार तरीके से होगी, हालांकि अभी तक इस एंट्री का खुलासा नहीं हो पाया है। नंबर दो, हनीमून के लिए नहीं मिलेगी छुट्टी। रणवीर और दीपिका को हनीमून के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद रणवीर रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा के प्रमोशन में जुट जाएंगे। नंबर 10, बेंगलोर और मुंबई में होंगे दो रिसेप्शन। रणवीर दीपिका की शादी का पहला रिसेप्शन बेंगलुरु के 5-स्टार होटल द लीला पैलेस में 21 नवंबर को होगा। इसे दीपिका के माता पिता होस्ट करेंगे, जबकि दूसरा रिसेप्शन मुंबई में 28 नवंबर को होटल ग्रैंड हयात में होगा। ये पार्टी रणवीर के माता पिता की तरफ से रखी गई है।